Hello friends, assalamu alaikum. Welcome back to my channel South Indians Kitchen Secrets. मैं हूँ आपकी रूही शाह जी. आज हम बनाएंगे स्पेशल और इजी कस्टर्ड पुडिंग. अगर आपको कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन करता है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं. तो पहले हम एक बाउल ले लेंगे. उसमें हम लेंगे 1.25 लीटर यानी कि 1 कप कच्चा दूध. और इस दूध में हम ऐड करेंगे 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर. मैंने जो कस्टर्ड पाउडर लिया है उसमें कुछ फ्लेवर नहीं है. आप देख सकते हैं ये फ्लेवरलेस है. तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून तक वेनिला एसेंस. अगर आपका कस्टर्ड पाउडर में ऑलरेडी कुछ फ्लेवर है तो आप इस वेनिला एसेंस को स्किप कर दीजिए. अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कुछ लम्स उसमें ना हो जाए. फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई बादाम, काजू और ड्राई ग्रेप्स. इन चीज़ों को भी हम उसी कस्टर्ड मिल्क में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. अब हमारे गैस को ऑन करके एक पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे. पैन गरम होने के बाद हम ऐड करेंगे 3 कप दूध. मैंने जो भी मेजरमेंट आपको यहाँ दिया है उसको थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा. मैंने जो भी आपको मेजरमेंट दी है वो परफेक्ट मेजरमेंट है. उसी मेजरमेंट के हिसाब से आप पुडिंग बनाइएगा. अब हम ऐड करेंगे 1 कप शक्कर. इस शक्कर ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो शक्कर है वो दूध में अच्छे तरीके से घुल जाए. अब शक्कर डालने के बाद करीब 3 मिनट तक हो चुका है. शक्कर अच्छे से घुल चुका है. अब हम इसी स्टेज में ऐड करेंगे हमारे कस्टर्ड मिल्क जो हमने पहले से बना के रखी थी. अब हमारे कस्टर्ड मिल्क को हम एक बार चम्मच से हिला देंगे ताकि जो पाउडर है नीचे ना बैठ जाए. अब इस कस्टर्ड मिल्क को हम हमारे पैन में गरम गरम मिल्क के साथ ऐड कर देंगे और इन सारे चीज़ों को मिक्स कर देंगे. 5 से 7 मिनट तक हमारे चम्मच को हम हिलाते ही रहेंगे और गैस का जो फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे. अब देखिए हमारी जो कस्टर्ड पुडिंग है वो बन रही है. सिर्फ हम 5 से 7 मिनट तक ही इसको पकाएंगे. अब 7 मिनट तक हो चुका है और हमारे पुडिंग कंसिस्टेंसी जो है वो हमको मिल चुकी है. अब इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे छोटे छोटे फ्रूटीज. इस फ्रूटीज को हम हमारे कस्टर्ड पुडिंग में ऐड करके जेंटली मिक्स कर देंगे. मिक्स करने के बाद हम हमारे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे. देखिए पुडिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसे ही रहना चाहिए. इसी स्टेज में आप अपने गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए. बंद करने के बाद हम जल्द से जल्द इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे. बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस बाउल को हम थोड़ा घी के साथ ग्रीस कर देंगे ताकि जो हमारा पुडिंग है वो आसान से निकल सके. बाउल अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम ऐड करेंगे फ्रूटीज. फिर इसी बाउल में हम ऐड करेंगे हमारे बनाए हुए कस्टर्ड पुडिंग. अब देखिए हमारी मज़ेदार कस्टर्ड पुडिंग जो है वो बन चुकी है. अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे. एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर के पार्ट को अच्छे से हम फ्लैट कर देंगे. फ्लैट करने के बाद हम गार्निश करेंगे फ्रूटी के साथ. और हम इस कस्टर्ड पुडिंग को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे. अब देखिए 4 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है. मैंने इसको फ्रिज के रैक में रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखा. देखिए इसके जो साइड्स हैं वो अच्छे से खुल रहे हैं और ये आसान से निकल सकती है. देखिए हमारी जो कस्टर्ड पुडिंग है वो कितनी आसानी से निकल चुकी है. अगर आपको और बच्चों को जब भी आइसक्रीम खाने का मन करता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आइसक्रीम से ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है
ये कस्टर्ड पुडिंग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा। मैं आप सभी से फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।